आंदोलन खत्म हो गया नहीं, है? नहीं खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता। जब तक इंसाफ नहीं मिलता हाँ लड़ाई जारी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आप गृहमंत्री से मिले थे क्या? मैं यूं बोल रहा हूँ आंदोलन जारी रहेगा जब तक मिले थे। आप होम मिनिस्टर से मिले थे? आप भैया रुको, होम मिनिस्टर से मिले थे क्या? हाँ नॉर्मल बातचीत हुई थी, बाकी परसों मिले थे आप। हाँ शिकायत वापस लिए नाबालिग ने? मैं बता नहीं, ये भी फेक है, ये हमारे आंदोलन को आपने ज्वाइन कर ली है। अब आपने नौकरी ज्वाइन कर ली है, ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने की सारी बातें हैं। ना तो नाबालिग ने अपनी कंप्लेन वापस ली है, ना ही हम धरने से वापस हटे हैं, मतलब प्रोटेस्ट से वापस हटे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। तो अभी अब आप नौकरी पे रेगुलर रहेंगे अब, या फिर से कहीं धरना प्रदर्शन आपने करना है, या खा पंचायत का वो जो भी होगा ना आगे वो हम आपको बता देंगे, जैसा भी रहेगा सारा आपको आगे की रणनीति और सब हम बता देंगे। लोग अफवाह फैला रहे कई तरह की पिछले कई दिनों से, अलग अलग चीजें, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत खराब बात है, हमारे प्रोटेस्ट को आंदोलन को जो है कमजोर कर रहे हैं, आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता। तो साक्षी मलिक को आपने सुना, अपनी ड्यूटी से आ रही है तो साफ तौर पर कह रही है कि लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ड्यूटी जरूर उन्होंने ज्वाइन की है, लेकिन आगे भी जो है वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे, किस रूप में रखेंगे ये अभी तक नहीं बताया, लेकिन साफ तौर पर जो बात चल रही थी कि नाबालिग ने अपना जो शिकायत वापस ली है उसके लिए उन्होंने मना किया, साथ में ये जरूर पुख्ता किया कि हाँ गृहमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, और आगे तय करके बताएंगे कि आखिर इस आंदोलन को कैसे चलाया जाए। अपने वीडियो से राजू के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।